गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने वेल्डिंग के बारे में जनरल बातें की। हम बातें करेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की। मैं धर्मेंद्र कुमार सैनी जीपीसी धौलपुर में मैकेनिकल विभाग में प्रवक्ता पद पर हूँ। तो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग को हम एक तो प्रेशर के आधार पर क्लासिफाई करते हैं और दूसरा हम उसको सोर्स ऑफ हीट के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये देखो प्लेट नंबर एक है, प्लेट नंबर दो है। तो इसको हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमें जोड़ना है। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अगर हम हीट अप्लाई करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हीट अप्लाई करते हैं। तो हीट के आधार पर इस वेल्डिंग को कैसे भागों में बांटा गया है? आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। ये तो होगा हमारा सोर्स ऑफ हीट के आधार पर। अब प्रेशर की बात करें, मान लो ये वेल्डिंग नंबर एक है, ये प्लेट नंबर एक है हमारी, ये प्लेट नंबर दो है। तो इस साइड हमने प्रेशर अप्लाई किया, इस साइड से हमने प्रेशर अप्लाई करी। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, जहाँ पर दोनों प्लेट आपस में टच कर रही है, इस प्लेट पर दबाव उत्पन्न होगा। जैसे ही दबाव उत्पन्न होगा तो दबाव के साथ साथ थोड़ी बहुत हीट भी आती है। तो जिस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट हो उस पॉइंट पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ पर जो हीट होगी वो हीट मेल्टिंग पॉइंट से कम जनरेट होगी। मीन्स इस पॉइंट पर दबाव के कारण जो भी हीट उत्पन्न होगी वो हीट मेल्टिंग पॉइंट से कम होगी। अब मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पर कोई भी चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, अर्थात गलना स्टार्ट हो जाए। तो इस पॉइंट पर तो वो पूरा गलेंगे नहीं जब प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी मेल्ट स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अब आते हैं हम आगे नॉन प्रेशर वेल्डिंग को, हम फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। इसे फ्यूजन वेल्डिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर प्रेशर तो अप्लाई नहीं करते हैं। ये प्लेट एक, प्लेट दो, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हम प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, इस प्रेशर इसकी जगह हम अप्लाई करेंगे हीट के कारण यहाँ पर ये गलना स्टार्ट हो जाएगी। हीट कब तक अप्लाई करेंगे? जब तक कि मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाए। वर्क पीस इज हीटेड अप टू मेल्टिंग पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पर ये गलना स्टार्ट हो जाएगा, ये गलने स्टार्ट हो जाए, इसलिए इसे फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं या लिक्विड वेल्डिंग बोलते हैं। तो हीट के आधार पर इसे क्लासिफाई किया दोबारा, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और रेडिएशन वेल्डिंग। ठीक है, जब हम फेज की बात करें, हाउ अकॉर्डिंग टू फेज हम इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे? क्लासीफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट, स्टेट मतलब कि अवस्था। तो सॉलिड स्टेट हो गई ये वाली वेल्डिंग, जहाँ प्रेशर अप्लाई किया उस सॉलिड स्टेट कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पर जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहाँ पर कोई भी मटेरियल पिघला नहीं, जहाँ पर टेम्परेचर था वो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही रहा। तो इसको इसमें सॉलिड स्टेट, इसमें कौन सी वेल्डिंग आती है? एक तो रेजिस्टेंट वेल्डिंग आती है और एक फ्रिक्शन वेल्डिंग आती है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो ये तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होगी, दूसरी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होगी जो हमने अभी पढ़ी थी, नॉन प्रेशर वेल्डिंग। फिर इनके बीच में एक और आती है सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। इस सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में आती है सोल्डरिंग एवं ब्रेजिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपैटर में काम आती है। अब आते हैं हम होमोजेनियस वेल्डिंग और हेटेरोजेनियस वेल्डिंग। होमोजेनियस जैसे नाम से पता चलता है, होमोजेनियस मतलब कि एक जैसा, एक अवस्था, एक जैसा या एक अवस्था। यहाँ पर फिलर मटेरियल होगा वो वर्क पीस के सेम होगा। ये फिलर मटेरियल क्या चीज़ है? देखो प्लेट नंबर एक है और प्लेट नंबर दो है, उनको आपस में जोड़ना है हमें। इनको आपस में जोड़ने के लिए हम इस पॉइंट पर हीट अप्लाई करेंगे, गलाएंगे। यहाँ पर जब गलन स्टार्ट हो जाएगा ये, तो अलग से एक मटेरियल और डालते हैं हम, फिलर मटेरियल। मान लो ये लोहे का, प्लेट नंबर एक लोहे की, प्लेट नंबर दो लोहे की, फिलर मटेरियल भी लोहे का हो गया, तीनों सेम चीज़ हो गई। तो ये हमारी हो जाएगा होमोजेनियस वेल्डिंग। फिलर मटेरियल इज सेम एज द वर्क पीस, जो बाहर से हमने मटेरियल डाला है वो
पेरेंट मटेरियल या बेस मटेरियल के समान था। एट्रोजेनियस वेल्डिंग में क्या होगा, फिलर मटेरियल हमने जो डाला है, फिलर मटेरियल एंड पेरेंट मटेरियल होगा वो अलग अलग होंगे। एक और दो तो प्लेट तो लोहे की है, लेकिन फिलर मटेरियल जो अलग से मटेरियल डाला वो लोहे का नहीं, वो कोई और चीज़ का है, तो ये अलग हो गया, इसलिए इसे हम बोलेंगे हीट्रोजेनियस वेल्डिंग। हीट्रोजेनियस वेल्डिंग मतलब कि सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में काम आता है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग क्या चीज़ होती है, हमारी सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होती है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जोड़ने के काम आती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट पर, ये जो जनरल है टाइप्स ऑफ जॉइंट भी जनरल ही चीज़ है, ठीक है। तो प्लेट नंबर एक, प्लेट नंबर दो, इनको सीधा एक रखा और दूसरे को सीधा इसके पैरेलल में रख दिया और बीच में वेल्डिंग कर दी, इसे बोलते हैं हम बट जॉइंट, बट वेल्डिंग। ये पूरी जो नीचे दिख रही है ये तो एक प्लेट है, प्लेट नंबर, दूसरी प्लेट को हमने ऐसी तिरछी रखी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा बोलता है फ्लैट वेल्डिंग या टी वेल्डिंग है। ये देखो, इसको हम नीचे करके देखूंगा तो ये टी वेल्डिंग दिख जाएगा, टी जैसी शेप दिख जाएगी इसमें। फिर आती है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट तो सिंपल ऐसे है, एक हाथ ऐसा है, एक हाथ ऐसा है, तो बीच में जो अंगूठा है ये मेरा अंगूठे के ऊपर हमने वेल्डिंग कर दी ऐसे ही है। ये वेल्डिंग प्लेट नंबर एक नीचे वाली, प्लेट नंबर दो ऊपर वाली, इनके बीच में आपस में वेल्डिंग कर दी, ये तो हमारे लैप जॉइंट हो गया। फिर आता है एज जॉइंट, ये प्लेट थी, इस प्लेट के बीच में से यहाँ पर हमने जॉइन कर दिया, ये वाला ऊपर से जॉइन नहीं किया हमने, बीच में से जॉइन किया। अगर मैं इस पॉइंट से जॉइन करता हूँ तो ये हमारा कॉर्नर जॉइंट हो जाएगा, और एनियर कॉर्नर जॉइंट में कैसे होगा, बस ये प्लेट है, तो इस प्लेट को मैं किसी चीज़ से जोड़ दूँ ऐसे इस पॉइंट से, तो ये हमारा कॉर्नर जॉइंट कहला जाएगा। और जबकि मैं बीच में से जोड़ दूँ यहाँ से कहीं से भी, तो ये हमारा एज जॉइंट कहलाएगा। अब आते हैं हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैसे होगा, ये हम इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।